जी, भारतीय किसान यूनियन भानु के ये पदाधिकारी हैं। दूसरे पदाधिकारी हैं कर्ण सुधाकर सिंह, ये भी भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारी हैं। इन्होंने 57 नंबर खाद का गड्ढा और 58 नंबर सरकारी रास्ता, उसके साथ में सरकारी जमीन 56 पर खेती कर रहे हैं। तुम्हारा उतना ही है जगह बंजर चाहिए। अच्छा, तो जो अवैध कब्जा हटेगा का आपको मिल जाएगा का उसमें से? अरे तो हमारा तो अलग ही है खुद। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ राज रावत। इस वक्त मैं प्रयागराज के 12 तहसील के परिसर के अंदर हूं और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पर किसान लोग आए हुए हैं और अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। आखिर अनिश्चितकालीन धरना देने की आवश्यकता क्यों पड़ा इनको? यहाँ पर देख सकते हैं किसान संगठन के ही भारतीय किसान यूनियन किसान गुट के लोग आए हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं, मामला क्या है, किस मामले पर जो है इन लोगों को ऐसा करने का नौबत आया है, धरना अनिश्चितकालीन देने का नौबत आया है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राकेश त्रिपाठी है। मैं भारतीय किसान यूनियन किसान का मंडल महासचिव हूँ। क्या मामला है आप लोगों का, आखिर अनिश्चितकालीन धरना देने का आवश्यकता क्यों पड़ा? अनिश्चितकालीन धरना देने का जो औचित्य है, इस तहसील प्रशासन की जो व्यवस्था है, जो इनकी कार्यशैली है, बहुत निंदनीय है और समाज इनके कार्यों से एकदम परेशान है। और हम लोग सरकारी चकमार, खलिहान, खाद गड्ढा, यहाँ तक कि राज्यपाल के नाम की जमीन पर ये तहसील प्रशासन, SDM, तहसीलदार, नायब इत्यादि सब मिलकर के कब्जा करा रहे हैं और इस सरकारी जमीन पूरे क्षेत्र से लुप्त हो रही है और हमारे काश्तकारों की जमीन पर जबरन लेखपाल कानून को पैसा लेकर के अब भूमधरी भूम पर जो है चकमार बना रहे हैं, जिसको लेकर के हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। 29 तारीख से मेरा धरना चल रहा है, ये आज चौथा दिन है। आज काफ़ी बारिश हुई, हम लोगों के टेंट तंबू में पानी भर गया है, लेकिन हम किसान के बच्चे हैं। जब तक इन हमारी 10 सूत्री मांगों का निस्तारण नहीं होगा, तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। क्यों? चाहे जितनी भी लड़ाई लड़ना पड़े, यह संघर्ष हमारा चलता रहेगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है। मैं भारतीय किसान यूनियन किसान का जिला अध्यक्ष हूँ, युवा मोर्चा का। क्या है, क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत ये है कि तहसील प्रशासन के द्वारा कब्जा कराया गया, 1/10/2022 से लगातार कई प्रार्थना पत्र दिए, लगभग 2022 से प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है, 22 से प्रार्थना पत्र दे रहा हूँ, उस पर निस्तारण नहीं हुआ। सरकारी सड़क पर जो गांव सभा के पैसे से सड़क बनाई गई थी, उसको काट करके उस पर तहसील प्रशासन के द्वारा सड़क पर 6 फीट से ज़्यादा ऊंची दीवार बना दी गई। 56 जो कि गांव सभा का बंजर है, उस पर कब्जा कराकर खेती करा रहे हैं। 57 नंबर टिकरी तालुका कंजासा में 57 नंबर जो है खाद का गड्ढा है, उस पर खेती करा रहे हैं। 58 नंबर सरकारी रास्ता है, उस पर खेती करा रहे हैं। 61 नंबर टिकरी तालुका कंजासा का खलिहान है, इस पर पूरी तरह से इन्होंने कब्जा करा रखा है। दो लोग कब्जा किए हैं, नाम बताइए। नाम भारतीय किसान यूनियन भानु के कुछ पदाधिकारी भी हैं, जिसमें एक है समरजीत सिंह, जो अभी भी मकान बना रहे थे, कल भी मकान उनका बन रहा था। वर्तमान कानूनगो कृष्णमूर्ति तिवारी जी गए थे जांच में, उन्होंने मौके पर जा करके तत्काल उसको हटवाया। और किसान संगठन से जुड़े हुए लोग हैं जी, भारतीय किसान यूनियन भानु के ये पदाधिकारी हैं। दूसरे पदाधिकारी हैं कर्ण सुधाकर सिंह, ये भी भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारी हैं। इन्होंने 57 नंबर खाद का गड्ढा और 58 नंबर सरकारी रास्ता, उसके साथ में सरकारी जमीन 56 पर खेती कर रहे हैं। इसकी जांच कराई जाए, इसकी जांच में गए कृष्णमूर्ति तिवारी जी, जो यहाँ के RI हैं, उन्होंने जांच किया, पत्थर भी गड़वाया। रात में इन लोगों के द्वारा उस पत्थर को उखाड़कर फेंक दिया गया। उखाड़कर फेंक दिया पत्थर जी। इन्होंने पूरी तरह से सरकारी रास्ते को और सरकारी रास्ता बना हुआ है 56 में, जवाहर रोजगार योजना जब चलाई गई थी, उस समय से वो सड़क बनाई गई थी, उस पर गांव सभा द्वारा खड़ंजा भी लगाया गया, उस पर
इंटरलॉकिंग का भी काम हो रहा है। इन लोगों की वजह से ही आगे जो है 11 फीट चौड़ी सड़क इंटरलॉकिंग बनाई गई है। इन लोगों के सड़क पर काट करके दीवार बना देने से सड़क बनाना संभव नहीं है। रास्ता कम होने की वजह से सड़क वहीं पर रुकी हुई है। अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है और जब तक यह कई मांगे हमारी 10 सूत्री मांग है जब तक ये पूरा नहीं होता, यहाँ तक कि बुदावा ग्राम सभा में जो बेस कीमती ज़मीन है, ये शायद आप राम लखन सिंह ITI देख रहे हैं, उसके आसपास में कुछ ज़मीनें हैं जो सरकारी ज़मीन है, वहाँ पर चकमार्ग भी है, उस पर तहसील प्रशासन की मिलीभगत से प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा है। अच्छा अच्छा, सरकारी ज़मीन पर देख सकते हैं दर्शकों, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं किसान संगठन के लोग, किसान नेता। क्या नाम है आपका? अनंत बहादुर। क्या कहेंगे, आपका क्या कहना है? हमारा कहना है कि बुनावा में एक सरकारी नाली है, नाली के ऊपर ककाती बीचों बीच नाली में पाइलिंग करके उसमें पिलर गड़ाए गए हैं। अब बिल पिलर गड़ाने के बाद जब ककाती कानून को साहब गए हैं तो उसको तुरंत उसको ध्वस्तीकरण कराएं। और ध्वस्तीकरण कराने के बाद भी आज भी वो चैलेंज कर रहे हैं कि हम यहाँ से ककाती हटाएंगे नहीं, समझे, हटाएंगे नहीं। और इसको ककाती आप जो है उसमें हीला हवाली कर रहे हैं और पिलर उसी तरह से खड़े हैं, कुछ खड़े हैं कुछ गिराए गए हैं। हालांकि गिराए उन्हीं के द्वारा गए हैं, कानूनगो साहब ने उसी से गिरवाए हैं जिसने गड़ाया रहा, तो कुछ उसकी दबंगई जो है बगल वाले ज़मीन के लिए वो कहता है कि नहीं यहाँ से नहीं वहाँ से चाहिए, तो इसकी नाप करवाना चाहिए, नाप करवा करके उसको सुरक्षित करवा दी जाए उस सरकारी नाली को। यहाँ पर और लोग भी हैं, महिलाएं भी हैं, महिलाओं से भी मैं बात करूँगा। आ जाइए पास में, आ जाइए। क्या नाम है आपका? आप भी हैं यहाँ पर बैठे? आप नहीं हैं? अच्छा अच्छा, महिलाओं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मनोजा देवी है। मनोजा देवी, आप भी इसी जो है धरने में शामिल हैं? हाँ, शामिल हैं। क्या कहना चाहती हैं? क्या कहना चाहना, हमारे लग कैती लाइट है, दूर के टार फार्मा है, हम लोग परेशान है, गरीब आदमी कैसे जमीन का मामला है तो लाइट वाला कैसे आ? अरे जमीनों के सब जमीनों चाहिए, गरीब आदमी के कूड़ों फेंके कि नहीं बात, कहाँ हमारे लोग के तो मिले चाहिए बंजर जमीन जहाँ बची हुई पर। अच्छा, जो 10 सूत्री मांगे हैं उसमें से आपको कुछ पता है क्या चीज़ें हैं, क्या मांगे? अभी हमको नहीं पता है। आप लोग सिर्फ आकर बैठी हैं? हाँ पता है, थोड़ा पता है। देख सकते हैं इनको पता नहीं है क्या मांगे हैं, है उतना भी जानकारी है। अगर यहाँ पर धरने पे बैठी है तो आपको पता रहना चाहिए ना क्या मामला है क्या नहीं है। मामला है सरकारी जमीन खातिर, मामला है पता है। हाँ। चाहिए सरकारी जमीन हम ही लोग के जकरे है। अगर आपका बुनावा, बुनावा से है। हाँ। ये जो जहाँ पर जो है सरकारी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है वो सपहा गाँव है। हाँ, सपहा है, बुनावा में है, मतलब जो एक तरह देखा जाए 12 विधानसभा में जहाँ जहाँ ऐसा चल रहा है। हाँ। जमीन कब्जा चल रही है, उन्हीं की मांग चल रही है उनसे कब्जा, अवैध कब्जा हटवाने का। हाँ। क्या नाम है आपका? मनोरमा सर। क्या कहना है आपका? हमारा कहना है जो कहते हैं सरकारी बंजरे हैं। हाँ। जो हड़पे हैं दबंग लोगों को छुड़वावा जाए। हाँ। हमारा कहना है भी सर हमारे यहाँ तबीयत नहीं सही है, बस हमारा यही कहना है और कुछ नहीं। आपका नाम? हमारा नाम आरती है सर। क्या कहेंगी आप बोलिए सर, आपका क्या मांग है, आप क्या चाहती हैं? अरे सर, किस तरह की कार्रवाई हो इस मामले पे? हमारा उतना ही है जगह बंजर चाहिए। अच्छा, वही सब खत्म वाला बता। तो जो अवैध कब्जा हटेगा का आपको मिल जाएगा का उसमें से? अरे तो हमारा तो अलग ही है खुद। देख सकते हैं धर्मेंद्र जी, इन लोगों को कुछ पता नहीं है। महिलाओं को आप कहाँ से लेकर आए हैं, ये सब कहाँ से आई हैं? ये दरअसल अभी अभी आई हैं, इनकी एक समस्या है। हाँ। ये हमारे संगठन के अभी सदस्य भी नहीं हैं। अच्छा अच्छा, नहीं ये लोग तो कह रहे कुछ हमको पता ही नहीं है, नहीं बोल रही हैं। नहीं, हम बताएं, ये हमारे संगठन में अभी सदस्य भी नहीं है, आज आई हैं, इनकी एक समस्या है। इनकी जमीन जो है, इनके इनका ससुराल जो है चिल्ला गवहानी में है। हाँ। इनका माइका जो है वो नौगवा में है। हाँ। इनकी जमीन इनके चाचा के लड़कों ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। अच्छा। हाँ, मामा के लड़के, सॉरी। हाँ। तो
अब उस जमीन को छुड़ाने के लिए जब इनको कहीं न्याय नहीं मिला तब ये भारतीय किसान यूनियन किसान के संगठन में आई है जी। अच्छा, अच्छा। इसलिए अभी इनको कुछ इस संगठन के बारे में जानकारी नहीं है, आज पहली बार आई हैं ये। अच्छा। तो ये देख सकते हैं हमने इन लोगों से बात किया, जो भी इनका 10 सूत्री मांग है उसी को लेकर के उसी को पूरा करवाने के लिए इस वक्त 12 तहसील के परिसर में आकर अनिश्चितकालीन ये लोग धरना दे रहे हैं। ये दिखा दीजिए, इधर सारे सामान लेकर के आए हैं, खाने पीने का, और ये देख सकते हैं गैस वगैरह हर चीज़ लेकर आए हैं। अनिश्चितकालीन का मतलब समझ जाइए कि ये धरना काफ़ी दिनों तक चलेगा, जब तक इन लोगों की मांगें पूरी नहीं हो जाती या फिर इनका मर्जी जब तक करे वो। बाकी हम यही कहेंगे कि इनके मामले पर अच्छे से जांच होनी चाहिए, जिन ज़मीनों पर ये बता रहे हैं कि उस पर अवैध कब्जा है उसकी जांच करके उस कब्जे को हटवाया जाना चाहिए अधिकारियों के द्वारा। बाकी बने रहिए फ्रीडम न्यूज़ इंडिया के साथ, बने रहिए राज रावत के साथ। नमस्कार।